फ्रेंड्स, दिस इज ऋषिकेश बानकर, लेक्चरर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। टुडे आई विल टीच यू द सब्जेक्ट दैट इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द कोर्स कोड इज BEL 22216। सो द यूनिट नंबर 1 इज सेमी कंडक्टर डायोड। सो वी विल स्टार्ट द टॉपिक नंबर 1.1, दैट इज टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर डायोड्स। सो द टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम। तो इस सब्जेक्ट का जो टीचिंग और एग्जामिनेशन स्कीम है वो अभी हम देखेंगे। तो और थियोरी एनसेम एग्जामिनेशन के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे पेपर में वो रहेंगे 70 और मिनिमम 28। देन पीए दैट इज प्रोग्रेसिव असेसमेंट, आपका ये इंटरनल रहेगा, इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 30 और मिनिमम आपको आपके रहेंगे 0। ऐसे टोटल मैक्सिमम मार्क्स बनेंगे 100 एंड आउट ऑफ 100 यू हैव टू गेन मिनिमम 40 मार्क्स। तो ये हो गया हमारा थियरी। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल एनसेम एग्जामिनेशन के लिए जो प्रैक्टिकल मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 50 और आपको लेना है मिनिमम 20। देन प्रोग्रेसिव असेसमेंट, इसमें मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके, दैट इज इंटरनल प्रैक्टिकल, और ये एनसेम का जो है वो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल रहेगा। तो इंटरनल प्रैक्टिकल के मार्क्स रहेंगे आपके मैक्सिमम 20 और आपको उसमें कम से कम 20 लेना है। तो इंटरनल प्रैक्टिकल आपके कितना कितना हो गया, 50 का, एनसेम का 50, दैट इज टोटल 100 और आपको 100 में से 40 मिनिमम लेना है। तो ये हो गया हमारा टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम। देन द लर्निंग आउटकम्स। तो लर्निंग आउटकम्स देखेंगे, पहला है यू विल एबल टू लर्न अबाउट द सेमी कंडक्टर डायोड। देन सेकंड इज यू विल एबल टू नो द टाइप्स ऑफ सेमी कंडक्टर डायोड। एंड फाइनली यू विल एबल टू लर्न अबाउट द सेमी कंडक्टर मटेरियल्स। तो ये आज हमारे सेशन के 3 लर्निंग आउटकम्स हो गए जो हम पढ़ने वाले हैं। नाउ इंट्रोडक्शन। अ सेमी कंडक्टर डिवाइस इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट रिलाइज on the electronic properties of a semiconductor material, that is silicon, germanium and gallium arsenide, as well as organic semiconductors for its function. तो जो semiconductor materials होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, silicon, germanium और gallium arsenide। तो ये semiconductor device जो है वो electronic component है जो electronic properties of semiconductor material पे depend होता है, relies होता है। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कौन से हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइड, एज वेल एज ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स फॉर इट्स फंक्शन। तो उसके फंक्शन के लिए भी ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। देन द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैव रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन मोस्ट एप्लीकेशंस। अब बहुत सी कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है जिसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को रिप्लेस किया है वैक्यूम ट्यूब्स में। They use electrical conduction in the solid state rather than the gaseous state or thermionic emission in a vacuum. Now PN junction diode. तो ये हमारा PN junction diode है, practically ऐसे दिखता है और ये diagrammatically हम ऐसे लिखते हैं, निकालते हैं। सो दिस इज पी पॉइंट, दिस इज एन रीजन, पी रीजन एंड एन रीजन। पी रीजन को क्या बोलेंगे, एनोड, और एन रीजन को बोलेंगे कैथोड, और ये उसका सिम्बॉल है। सो दिस इज एनोड एंड दिस इज कैथोड। ये जो सीधी लाइन है उसको बोलेंगे हम कैथोड, और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम एनोड। सो दिस इज पी एन जंक्शन डायोड। देन बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ पी एन जंक्शन डायोड कनेक्टेड टू करंट लिमिटिंग रेजिस्टर आर एंड एक्सटर्नल वोल्टेज और बैटरी दैट इज वी। तो पी टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, वेर एज एन टर्मिनल ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सो दिस इज द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ डायोड। सो इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ अ डायोड करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज इट क्रॉसेज द करंट लिमिटिंग रेजिस्टर, देन पी terminal, then N terminal, then comes to negative terminal of battery, and this is the forward bias PN junction। अब इसमें depletion layer कैसे produced होती है,
इसमें देखो पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का वो कनेक्ट किया हमने पी टर्मिनल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, और निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू दिस निगेटिव टर्मिनल ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव होते हैं फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, मतलब यहाँ पे मूव हो गए। और सिमिलरली दीज होल्स ड्यू टू पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्शन मूव फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। तो इसमें देखो ये मूव हो गया यहाँ पे, तो ये जो फॉर्मेशन बन गया है रीजन का, ये जो रीजन बन गया है इसको बोलेंगे हम डिप्लीशन रीजन। सो दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, द प्रिंसिपल ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। इफ अ पी रीजन दैट इज एनोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल डीसी सोर्स एंड एन रीजन दैट इज कैथोड इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द डीसी सोर्स, देन द बायसिंग इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायसिंग। अभी हमने डायग्राम में इसका देखा फॉरवर्ड बायसिंग का कनेक्शन कैसे होता है, जो एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट होता है और जो कैथोड होता है वो निगेटिव टर्मिनल ऑफ डीसी सोर्स को कनेक्ट होता है। तो इसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड बायसिंग। ड्यू टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड टू एन रीजन फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड आर पुश्ड टूवर्ड्स द पी साइड एंड सिमिलरली द पॉजिटिव एंड ऑफ द सप्लाई विल पुश द होल्स फ्रॉम द पी साइड टूवर्ड्स द एन साइड। देन विथ इंक्रीज इन द एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज वी मोर एंड मोर नंबर ऑफ होल्स दैट इज पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज एन साइड स्टार्ट ट्रेवलिंग टूवर्ड्स द जंक्शन एज शोन इन द फिगर। द होल्स विल स्टार्ट कन्वर्टिंग द निगेटिव आयन्स इन टू द न्यूट्रल एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल कन्वर्ट द पॉजिटिव आयन्स इन टू द न्यूट्रल एटम्स। तो जब ये कनेक्शन हो जाते हैं और सप्लाई मिलता है तब क्या होता है, होल्स स्टार्ट करते था है कन्वर्टिंग निगेटिव आयन्स, जो निगेटिव आयन्स होते हैं उसको कन्वर्ट करता है न्यूट्रल एटम्स में कौन, होल्स। और इलेक्ट्रॉन्स क्या कन्वर्ट करता है, पॉजिटिव आयन्स को न्यूट्रल एटम्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। देन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन विल रिड्यूस। तो इसके कारण क्या होता है कि जो डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होती है वो रिड्यूस होती है। Then due to reduction in the depletion region width, the barrier potential will also reduced. अब जब depletion region की जो width होती है वो जैसे reduce होती है वैसे ही जो potential barrier होता है वो also reduced. Eventually at a particular value of V, the depletion region will collapse. Now there is absolutely no opposition to the flow of electrons and holes. Hence, a large number of electrons and holes, that is majority carriers, can cross the junction under influence of externally connected DC voltage. अभी जो majority carriers होते हैं, these majority carriers are nothing but the large number of electrons and holes. So the shaded region on both sides of the junction in figure shown contains only immobile ions and no free charge carriers. Such as electrons or holes. In other words, this region is depleted of free charge carriers. Therefore, the region is called as depletion region. Once the p-n junction is formed and depletion layer is created, the diffusion of free electrons stops. The positive and negative charges sit at an electric field. So this is the VI characteristics of PN junction diode. X axis voltage, on Y axis this is current, and this is the forward current, this is the breakdown voltage, and this is reverse voltage, and this is known as avalanche current. And this X axis, from this point to this point, this is the leakage current. So this is the VI characteristics of PN junction diode.
देन द रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब इसमें रिवर्स सैचुरेशन करंट की डेफिनेशन देखेंगे। इन रिवर्स बायस कंडीशन देयर विल बी निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट दैट विल फ्लो थ्रू द डिवाइस ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर विच इज कॉल्ड एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है ये कौन सी कंडीशन में फ्लो होता है? रिवर्स बायस कंडीशन में। तो रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा करंट फ्लो होता है वो एकदम निग्लिजिबल होता है, एकदम निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है थ्रू द डिवाइस। क्यों होता है निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो? ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर, उसी को हम बोलेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट। देन द नी वोल्टेज, द अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द पी एन जंक्शन स्टार्ट कंडक्टिंग इज कॉल्ड द कट इन वोल्टेज। अब जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं पी एन जंक्शन में और पी एन जंक्शन जो है हमारा वो कंडक्ट करना स्टार्ट करता है उसको बोलेंगे हम कट इन वोल्टेज। इट इज ऑल्सो नोन एज नी वोल्टेज वी के और वी शेड, उसी को हम बोलेंगे नी वोल्टेज। द वैल्यू ऑफ कट इन वोल्टेज इज 0.7 फॉर द सिलिकॉन एंड 0.3 फॉर द जर्मेनियम पी एन जंक्शन डायोड्स। तो ये जो हमारा कट इन वोल्टेज है और नी वोल्टेज, ये सिलिकॉन के लिए कितना रहता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम पी एन जंक्शन डायोड के लिए कितना रहता है 0.3 वोल्ट। द डिप्लीशन लेयर द रीजन इन द पी एन जंक्शन विच कॉम्प्राइजेज ऑफ इमोबाइल आयंस इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। अब डिप्लीशन रीजन हमने डायग्राम में देखी है किसको बोलते हैं, तो पी एन जंक्शन जो डायोड है उसमें जो इमोबाइल आयंस फ्लो होते हैं उस रीजन को बोलेंगे हम डिप्लीशन रीजन। स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, अब स्टैटिक रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे वो देखेंगे। द स्टैटिक रेजिस्टेंस दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड एट द ऑपरेटिंग पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ वी एफ एंड आई एफ। वी एफ क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज और आई एफ है फॉरवर्ड करंट। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड टू द फॉरवर्ड डीसी ऑपरेटिंग कंडीशंस इज कॉल्ड एज डीसी और स्टैटिक रेजिस्टेंस। फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दिस इज द फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी एंड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी दिस इज स्मॉल फॉरवर्ड करंट। देन दिस इज द कट इन वोल्टेज दैट इज नी वोल्टेज। द एक्सिस इज एक्स एक्सिस दैट इज वी एफ होल्ड्स एंड द वाई एक्सिस इज आई एफ इन milliampere. So this is the forward and reverse characteristics of a PN junction diode. So region A to B, the forward voltage is small and less than the cut-in voltage. अब जो रीजन ए टू बी हमने देखा है डायग्राम में उसमें जो फॉरवर्ड वोल्टेज दिखा है वो स्मॉल है और कट इन वोल्टेज से भी कम है। देयरफॉर द फॉरवर्ड करंट थ्रू द डायोड इज स्मॉल, तो उसकी वजह से जो हमारा फॉरवर्ड करंट फ्लो होगा वो कम रहेगा। विथ फर्दर इंक्रीज इन द फॉरवर्ड वोल्टेज इट रीचेस द लेवल ऑफ द कट इन वोल्टेज एंड द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन गोज ऑन डिक्रीजिंग। Now region B to C, as soon as the forward voltage equals the cut-in voltage, the current through the diode increases suddenly. The nature of this current is exponential. The large forward current in the region BC of the forward characteristics is limited by connecting a resistor capital R in series with the diode. The forward current is of the order of a few milliampere. So jab hamara forward voltage और हमारा कट इन वोल्टेज ये इक्वल होता है तब जो हमारा करंट फ्लो होता है डायोड से वो सडनली इंक्रीज होता है। तो इसका जो सडनली इंक्रीज होने के वजह से इसका जो नेचर हो बनेगा वो किस टाइप का बनेगा? एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कैसे? सडनली इंक्रीज होता है। तो लार्ज फॉरवर्ड करंट इन रीजन बी सी, तो उसमें जो लार्ज फॉरवर्ड करंट होता है रीजन बी सी में, तो इसको हमें लिमिट करना पड़ेगा, लिमिटेशन भी चाहिए उसमें। तो वो लिमिट
हम कैसे करेंगे, मिनिमाइज कैसे करेंगे, बाय कनेक्टिंग अ करंट लिमिटिंग रेजिस्टर दैट इज कैपिटल आर। अब वो सीरीज में कनेक्ट करेंगे हम डायोड के सीरीज में, और जो हमारा फॉरवर्ड करंट रहेगा वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्या रहेगा, अ फ्यू मिली एम्पियर। द फॉरवर्ड करंट इज अ कन्वेंशनल करंट दैट फ्लोज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव करंट एंड द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब जो हमारा फॉरवर्ड करंट है वो क्या है, कन्वेंशनल करंट जो एनोड टू कैथोड फ्लो होता है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिव करंट। और उसके कारण जो हमारा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपीयर होता है। सो दिस इज रीजन बी टू सी। So now the reverse characteristics. So this is the reverse characteristics of PN junction diode. In x axis voltage, y axis current. So this point is the reverse breakdown voltage. This is our breakdown. This is I0, that is reverse saturation current represented by I0. Then the reverse current represented by IS in microampere. And the voltage is VR in volts. So this is the reverse characteristics of PN junction diode. Cut-in voltage, that is knee voltage. The voltage at which the forward diode current starts increasing rapidly is known as the cut-in voltage of a diode. The cut-in voltage is very close to the barrier potential. The cut-in voltage is also called as knee voltage. So cut-in voltage kisko bolenge hum? जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है, दैट इज फॉरवर्ड डायोड करंट जब सडनली इंक्रीज होता है, उसको बोलेंगे हम कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड। जिस वोल्टेज लेवल पे फॉरवर्ड डायोड करंट सडनली इंक्रीज होता है फ्लो होना, उस पॉइंट को, उस वोल्टेज को हम बोलेंगे कट इन वोल्टेज। अब हमारा जो कट इन वोल्टेज होता है वो नियरली क्लोज टू बैरियर जो पोटेंशियल होता है वो उसके क्लोज होता है, बैरियर पोटेंशियल इतना ही वो हमारा कट इन वोल्टेज होता है, और इस कट इन वोल्टेज को भी हम बोलेंगे नी वोल्टेज। जनरली अ डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड अबाउ द कट इन वोल्टेज। द कट इन वोल्टेज फॉर अ सिलिकॉन डायोड इज 0.6 वोल्ट एंड दैट फॉर अ जर्मेनियम डायोड इज 0.2 वोल्ट। तो जनरली क्या होता है, जो फॉरवर्ड बायस्ड होता है उसमें जो डायोड होता है वो उसका करंट हमेशा कट इन वोल्टेज इतना ही होता है। मतलब जो हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस होता है वो अबव कट इन वोल्टेज ही होता है। तो सिलिकॉन डायोड के लिए हमारा कट इन वोल्टेज कितना है, 0.6 होता है, और जर्मेनियम डायोड के लिए हमारा कट इन वोल्टेज होता है 0.2 वोल्ट।
Now, the current flowing through a diode in reverse biased state is a reverse saturation current which flows due to the minority carriers. Therefore, it is called as negative current. Hence, the reverse characteristics appears equal to I0 if the temperature is constant. And as reverse voltage is increased, the reverse saturation current remains constant equal to 10 if the temperature is constant. This is because the reverse saturation current does not depend on reverse voltage, but it depends only on temperature. So, thank you, student.